सब ऐसा नहीं लगता कि सरकार अपनी असफलता को छुपाने के लिए विपक्ष पर ठीकरा फोड़ रही है। कहा जा रहा है कि किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके राजनीतिक पार्टियां चला रही है। ये एक बेइंसाफी सरकार की तरफ से किसानों के साथ और है जी। उनकी बात को ये कहना कि आप में अपोजिशन पार्टीज आपके आपके कर रही हैं, वो आपको भड़का रही हैं, आप तो खालिस्तानी हो, आप में तो पाकिस्तान के लोग सपोर्टर हैं, ये बातें कहना, बल्कि उसको कहता है कि गाली देने की बात है। उनको बिल्कुल एक पॉलिटिकल उनकी लड़ाई है अपनी, अपने आप उन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज करके वो कर रहे हैं और आज सरकार को हिला के रख रहे हैं। सारा देश किसान आंदोलन से जूझ रहा है और सरकार की संवेदनहीनता को लेकर के किसानों का सब्र टूटने वाला है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं निकाय चुनाव में, यहां रात के 11 बजे हैं और हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस की अध्यक्षा कुमारी सलेजा और पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल जी कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में यहां वोट मांगते नजर आए हैं। बात करते हैं पहले बंसल जी से। सर, किसान आंदोलन एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, सरकार संवेदनहीन हो चुकी है, काफी मौतें भी हो चुकी हैं, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? बहुत कम शब्दों ने आपने ही कह दिया जो बात हम लोगों को कहनी है जी, कि ये सरकार मनमर्जी कर रही है, लोकतांत्रिक भावना इसकी नहीं है, लोग जो डेमोक्रेटिक टेम्पर है उसके नाम की कोई चीज़ इनके दिमाग में नहीं, और कोई भी इनका कदम है किसी ढंग का वो मनमर्जी के साथ एक आर्बिट्ररी एक्शन है। ऐसे ही इन्होंने ये कानून बनाए थे। ताज्जुब की बात तो ये है, आज भी किसानों को जो वहाँ जूझ रहे हैं, सर्दी में मर रहे हैं, 40 लोगों का मृत्यु हो गई, उनको आज भी ये समझाने कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो आपके हित में किया है, आप उनके हित में नहीं है। कि किसान आज अच्छी तरह समझते हैं, एक उदाहरण बन गए वो, तो बल्कि कैसे संघर्ष किया जाता है एक पूरा सस्टेन्ड ढंग से जो उन्होंने किया है, और सरकार शायद एहसास भी कर रही है ये बात आज कि उन्होंने गलती की इस ढंग से ये कानून बनाया। तो सब ऐसा नहीं लगता कि सरकार अपनी असफलता को छुपाने के लिए विपक्ष पर ठीकरा फोड़ रही है। कहा जा रहा है कि किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके राजनीतिक पार्टियां चला रही है। ये एक बेइंसाफी सरकार की तरफ से किसानों के साथ और है जी। उनकी बात को ये कहना कि आप में अपोजिशन पार्टीज आपके कर रही हैं, वो आपको भड़का रही हैं, आप तो खालिस्तानी हो, आप में तो पाकिस्तान के लोग सपोर्टर हैं, ये बातें कहना, बल्कि उसको कहता है कि गाली देने की बात है। उनको बिल्कुल एक पॉलिटिकल उनकी लड़ाई है अपनी, अपने आप उन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज करके वो कर रहे हैं और आज सरकार को हिला के रख रहे हैं। राज्य और देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, बावजूद उसके कांग्रेस प्रत्याशी आपके साथ खड़ी हैं, क्या कहना चाहेंगे पंचकूला वासियों को? पंचकूला वासी अब मेरा ख्याल समझते हैं, जानते हैं इस बात को कि ये सरकार हर तौर से विफल हो चुकी है, सिर्फ लोगों के बीच में एक दीवार खड़ी करके लोगों के मनों को बांट के उस पर राज करना जानती है, मैं समझता हूँ। और ये दरख्वास्त हम लोगों ने की पंचकूला के लोगों को कि जो जिनका एक अनुभव है बहुत लंबा, जिन्होंने 5 वर्ष बहुत जूझ के यहाँ पहले लीडरशिप निभाई है और एक एक मुद्दे को लेके लोगों के बीच में निकली हैं, तो फिर उपेंद्र कौर, श्रीमती उपेंद्र कौर आहलूवालिया जी फिर हमारी यहाँ से प्रत्याशी हैं, इस बात के लिए उनको आप अच्छे जोर के साथ जताइए ताकि पंचकूला बहुत प्रगति के रास्ते आगे बढ़े।